नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पिछले दो दिनों में अपनी विवादित अपील के चलते सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल एक वीडियो में विधायक नाहिद हसन कैराना में अपने मुसलमान भाइयों से एक अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि बीजेपी समर्थक दुकानदारों से सामान खरीदने पर अब उन्हें रोक लगानी होगी। जी हाँ, उन्होंने वीडियो में ना सिर्फ बीजेपी वालों से सामान ना खरीदने की अपील की है बल्कि और भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इनके घर उजाड़ दिए यहाँ से। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे झिंझाने से जा कर ले लो, चाहे पानीपत से जा कर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतरा इसी में ही है, थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हमारे, हम जब चीज़ लेते हैं तब इनका घर चलता है और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पर जो है जूता बजाया जा रहा है। तो सभी से मेरी, आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ, थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गांव गुवाड़ के लोग हैं और जो आसपास के हैं। यही मैं एक मैसेज देना चाहता था सिर्फ अपने ही सराय के लोगों को। लेकिन विधायक हसन को ये अपील थोड़ी सी भारी पड़ गई। दरअसल इस वीडियो ने कुछ ऐसे तूल पकड़ी कि बीजेपी समर्थकों ने विधायक हसन के इस बयान को दंगा फैलाने वाला बयान साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि ये बयान सरासर दंगे फैलाने वाला है और आप तब ऐसी बात कह रहे हैं जब कैराना में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू आबादी है। ऐसे में ये दंगा फैलाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। साथ ही साथ नाहिद पर पलटवार करते हुए विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि अगर हमने तुम लोगों से सामान लेना बंद कर दिया तो तुम भूखे मर जाओगे। और जहां एक तरफ विधायक की इस विवादित अपील पर तीखी बयानबाजी का दौर जारी है तो वहां इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ ली है। एसपी के आदेश पर विधायक के खिलाफ कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। खुफिया विभाग की टीम ने भी जिले में मामले की जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि मुकदमे में सांप्रदायिक एकता को तार तार कर देना, दंगे की मंशा से लोगों को भड़काने समेत कई और भी ज्यादा धाराएं लगाई गई हैं। सांप्रदायिक मसलों को तूल देने वाला ये कोई अकेला मामला सामने नहीं आया है, बल्कि बीते दिनों रामपुर सांसद आजम खान के मॉब लिंचिंग से जुड़े बयान से भी सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की बू आ रही थी। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की तस्वीर धर्म के दायरों में बढ़ती नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसे मामलों पर जल्द ही रोक नहीं लगी तो देश की तरक्की में कई बाधाएं आने वाली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी सभी अहम खबरों को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।